पौड़ी जिले के दूरस्थ पीट सैंड क्षेत्र में 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित दौरा होगा, जिसकी तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। प्रदेश के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र पीटसैंण और थैलीसैंण के तमाम गाँव में पहुंचकर लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने में जुट गए हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर को स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के मौके पर 3 करोड़ की लागत से बने स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। वहीं भाजपा की जिला मंत्री पौड़ी जगत किशोर भी रक्षा मंत्री के दौरे से खासे प्रभावित हैं और आमजन से इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिन हम अपने इलाके के जितने भी शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। हमारा सौभाग्य है कि 1 अक्टूबर को हमारे देश के आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे पौड़ी जनपद के जो दूरस्थ क्षेत्र है थैलीसैंण ब्लॉक का जो पीटसैंण जो भाग है वहाँ पर वे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य वहाँ पर होने हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने उत्तराखंड की सरकार का जिन्होंने इस पूरे कार्य में सहयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ धन्यवाद भी देते हैं उस विधानसभा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी का कि जिनके प्रयासों से ये इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर सम्पन्न होने वाला है। वहाँ पर उस दिन जो स्वरोजगार की तरफ जो महिलाएं अपना कार्य कर रही हैं उन स्वयं सहायता समूह को भी जो बिना ब्याज का ऋण है वो भी वितरित होना है, और साथ ही साथ बहुत बहुआयामी योजना है क्योंकि पहाड़ों में महिलाएं ज़्यादा हैं और स्वाभाविक तौर पर महिलाओं का जीवन थोड़ा कठिन भी पहाड़ों में है, उनके लिए उनको घसियारी किट भी उस दिन दी जाने वाली है। पौड़ी से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।